सिट बिसाइड मी के सिट बिसाइड्स मी क्या आएगा कौन सा बिसाइड आएगा बिसाइड की बिसाइड्स अरे यार ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग है हाँ ये दो शब्द है जिसमें अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होता है इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग लगभग सेम है पर उनका मतलब और उनका यूज डिफरेंट है इवन दो दे आर स्पेल्ड ऑलमोस्ट द सेम दे आर नॉट यूज इन द सेम वे

एस लगा है लग, लगना नहीं लगना यही मीनिंग को चेंज करता है आइए देखते हैं पहला बिसाइड विदाउट एस वो हमें बताता है बाय द साइड ऑफ या द लोकेशन ऑफ समथिंग बाय द साइड ऑफ मींस के बाजू में एंड द लोकेशन ऑफ समथिंग मींस कोई चीज या वस्तु का स्थान कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए वॉक बिसाइड मी मेरे बाजू में चलो Your shirt is beside the closet. Closet शर्ट इज बिसाइड द क्लोज इट क्लोजेट यानी अलमारी तुम्हारी शर्ट अलमारी के बाजू में है हु इज द यंग मैन सिटिंग बिसाइड यू कौन है ये यंग मैन जो तुम्हारे बाजू में बैठा है द बॉय हुट बिसाइड हिम इज हिस सन जो लड़का उनके बाजू में बैठा है वो उनका बेटा है अब दूसरा बिसाइड देखते है जिसमें एस लगा हुआ है बिसाइड बीई एस आई डीई एस इसका मतलब होता है इन एडिशन टू कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आई हैव गॉट नो फैमिली बिसाइड्स माई ब्रदर मेरे भाई के अलावा मेरी कोई फैमिली नहीं है बिसाइड अ पेंटर सीमा इज अ म्यूजिशियन एक पेंटर के अलावा सीमा एक म्यूजिशियन भी है आई डो नॉट वॉन्ट टू गो बिसाइड्स आई एम टू टायर्ड मैं कहीं नहीं जाना चाहती इसके अलावा मैं बहुत थकी हुई हूँ बिसाइड्स ब्रेड एंड बटर आई नीड फ्रूटो ब्रेड एंड बटर के अलावा मुझे फ्रूट्स भी चाहिए क्लियर ना सिंपल है सिर्फ इतना याद रखना कि जिस बिसाइड में एस एड किया है उसका मीनिंग इसके अलावा होता है और इंग्लिश में इन एडिशन टू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव रियली है Please like, share and subscribe.